अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं उमर शहज़ाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उमर। जैसा कि आपको बताया कि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होता हूं, तो आज मैं आपके लिए वाईफाई से मुतल्लिक एक ट्रिक लेकर हाज़िर हुआ हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जो किसी भी लैपटॉप में अगर आपका वाईफाई पासवर्ड लगा हुआ है, तो आप उसका जो मेन एडमिन पासवर्ड है वो किस तरह शो कर सकते हैं और वो किस तरह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डिवाइस पर किस तरह एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये सब जो कुछ है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुँच सके। तो चलें व्यूवर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि आपने अपना जो यहाँ पर जो सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स है, यहाँ पर आपने सर्च करना है CMD। जैसे ही CMD सर्च करते जाएंगे तो इस तरह का ब्लैक से CMD का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे तो यस का ऑप्शन आएगा, यस पर क्लिक कर दें। जैसे ही ये ब्लैक बॉक्स यानी ये CMD का, इसमें आप कोई भी प्रोग्रामिंग जो के कंप्यूटर में हुई हुई है वो उसको ओपन करना चाहते हैं तो CMD का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आपने इसमें के अंदर लिखना है क्या है। सबसे पहले आपने लिखना है के नेट SHNET, नेट SH, नेट SH लिखना है। उसके बाद इंटर का बटन दबा देना है। जैसे इंटर का बटन दबाते जाएंगे तो नीचे नेट SH का ऑप्शन आ जाएगा और उसके अंदर आपने लिखना है WLAN शो प्रोफाइल। ये आपने लिख देना है। जैसे ही आप इंटर करते जाएंगे तो ये आपके पास जितनी भी आपके जो उस डिवाइस के साथ कनेक्टेड डिवाइसेस है वो सारी आ जाएंगी। मेरे यहाँ पर चार डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहले आपने इसके बाद करना क्या है, यहाँ पर लिखना है आपने WLAN एक्सपोर्ट प्रोफाइल प्रोफाइल, उसके बाद फोल्डर FOLDER फोल्डर। इसके बाद आपने यहाँ पर बराबर का निशान पर दबा देना है। उसके बाद आपने सी दबाना है, उसके बाद ये कॉमास दबा देने हैं, उसके बाद स्लैश दबा देनी है, उसके बाद आपने स्पेस देनी है, उसके बाद KEY, उसके बाद बराबर, उसके बाद क्लियर CLEAR क्लियर, ये आपने लिख देना है। यहाँ पर लिखते जाएंगे तो आपने इंटर का बटन दबा देना है। ये देखें, ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली आ गई हैं और आपने अब देखना कहाँ पर है कि ये सब चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर आपने जाना है कंप्यूटर में और सी में। ये देखें, ये चार आपके पास फोल्डर आ चुके हैं। यहाँ पर आपने पहला टिप लिंक वाला देख लें, इसमें अगर आपका पासवर्ड है तो ये देखें। यहाँ पर ये SSID और टिप लिंक का नाम, उसके बाद ये तमाम सेटिंग जो है इसमें आपने आपकी वाईफाई में की हुई है वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखें, ये इसका पासवर्ड है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरी पर देख लेते हैं, दूसरी पर क्या आया है। ये देखें, ये दूसरा ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पर डिवाइस का नाम था उमर शहज़ाद 300 पर मंथ, ठीक है। ये इसका पासवर्ड आ गया, रॉन्ग पासवर्ड के नाम से यहाँ पर सेव था। इसी तरह ये सारी जो भी है इसमें तमाम के तमाम ट्रू जो इसकी होती है वो ही बताता है। ये यहाँ पर ये गलत बयानी नहीं करता कि मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ और इसके अंदर कुछ और आ रहा हूँ। ये तमाम रियल है। और आपने इस तरह इस्तेमाल करके यहाँ पर आप जो कि वाईफाई का पासवर्ड चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको फिर एक दफ़ा शो करके दिखा देता हूँ कि मैंने क्या लिखा था,
क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा अच्छी तरह से शो नहीं हो रहा था। मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर 20 फ़ॉन्ट आ गए। यहाँ पर आपने सबसे पहला लिखना है नेट SH, पहले आपने CMD ओपन करना है, CMD ओपन, OPEN ओपन, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो काम करना है आपने, सबसे पहले पहला काम तो आपने करना है CMD को CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, निस TRATOR, ये करना है, ठीक है। दो, उसके बाद तीसरा काम जो करना है आपने, वो आपने लिखना है उसके अंदर नेट SH, NET नेट SH। चौथा काम जो आपने करना है वो आपने लिखना है WLAN शो प्रोफाइल, FILE प्रोफाइल। उसके बाद जो आपने उसके बाद वाला काम करना है, वो आपने जब आपके पास डिवाइसेस का नाम आ जाएगा तो आपने नीचे लिखना है पांचवें नंबर वाला, वो है WLAN एक्सपोर्ट प्रोफाइल फोल्डर, उसके बाद बराबर का निशान, उसके बाद सी कॉमास स्लैश, उसके बाद आपने लिखना है की, उसके बाद बराबर, नहीं सॉरी, की के बाद आपने, की से पहले आपने स्पेस देनी है, की बराबर CLEAR, इसके बाद इंटर कर देना है। ये तमाम सेटअप था जो आप यहाँ पर करके, आप जो कि अपनी वाईफाई का या किसी भी जो आपके लैपटॉप से अटैच है उसका पासवर्ड किस तरह चेक कर सकते हैं, ये वो मेथड है जिसके ज़रिए आप किसी भी वाईफाई का जो कि मेन पासवर्ड है उसका, जो कि उसकी डिवाइस का जो पासवर्ड है, वो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, मुझे लगता है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कायदगी से पहुँच सके। तो व्यूवर्स, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।